बहुत तेज करने पे या इट डस क्रीच. डिड यू हियर दैट? आई श्योर होप सो. So hello there YouTube. Today we are going to do a 5000 km ownership experience review of this XUV300 diesel automatic variant. This is my car. And just to let you know guys, that ye lockdown ne lanka lagane se pehle maine is gaadi pe 2 mahine mein 5000 km chala liya hai. So I am in a position to tell you how this car runs and have been running all this while. सो इस वीडियो में हम दो मेजर इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे. बट सबसे पहले जब कोई रिव्यू देखने आता है तो सबसे पहला पॉइंट वो क्या जानना चाहता है, दैट इज एवरेज माइलेज, कि ये गाड़ी एवरेज कितना देता है. नाउ जस्ट टू लेट यू नो गाइस, ये गाड़ी सिटी में 14-15 KMPL का माइलेज देता है, वो भी AC के साथ सिटी में. अगर आप ऑटो मोड पे चलाओ और नॉर्मली चलाओ, मतलब थोड़ा सा रेव करके, तो 14-15 निकाल देता है. और हाईवे पे ये 16-18 किलोमीटर के एवरेज, किलोमीटर पर लीटर के एवरेज निकालता है. आप कितना भी भगा लो, वो 16 के नीचे तो बहुत मुश्किल से जाता है. सो टुडे विल बी मेकिंग अ स्मॉल ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू ऑफ दिस कार एंड विल बी मेजरली डिस्कसिंग टू इंसिडेंट्स विच विल प्रूव दैट दिस कार इज मेड लाइक अ टैंक. So as you can see now, I'm just getting out of the parking area and अब यहाँ से parking area से एकदम full on Tokyo Drift type का एक ऐसा क्या बोलते climb है. I'm not touching the accelerator and गाड़ी देखना full अपने torque से ही 300 Nm of torque से ही पूरा pull कर रहा है. ये जो elevation है ये मैं तो आपको दूसरे video के एक clip में दिखाऊंगा, so you'll be able to see. सब accelerator brake सब छोड़ा हुआ है, just see the torque pull. So anyways, गाड़ी मैंने गरम कर ली है अच्छे से. So let's talk about the two incidents that will prove that this is built like a tank. So the incident number one, जब मैंने कार खरीदी थी तो खरीदने के दो दिन बाद ही I took it to Kolhapur to visit the Mahalakshmi temple and वहां से लौटते वक्त we did the entire journey in like 6-7 hours continuous and एक भी बार मैंने गाड़ी ऑफ नहीं की थी and the गाड़ी didn't heat at all, overheat or heat at all. And it was running very smoothly on the highway. और इस कार से आप literally बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी टक्कर ले सकते हो हाईवे पे. बड़ी गाड़ी से आई मीन इनोवा एंड MG हेक्टर्स, जो सबसे ज़्यादा आपको बॉदर करते हैं हाईवे पे. आप देखना सबसे ज़्यादा पंगे वही लेते हैं हाईवे पे जब आप जाते हो तो ओवरटेक करते हैं, तो आप भी उनसे पंगे ले सकते हो. पंगे as in I'm not telling you to raise those guys. It's just that कि हाँ, you can be You can find the moments when you'll find yourself overtaking those guys and वो बेटा इनोवा वाले बहुत ही ड्रामेटिक चलाते हैं. तो that's a good point there, that it is very effortless while driving on the highway. Now city की बात करें तो I have been using this car on my daily commutes and मुझे 14-15 के एवरेज निकाल देती है. जब मैं मैनुअल मोड में लेके चलाता हूँ और स्लोली चलाता हूँ तो it goes up to 17 KMPL. बहुत एफर्टलेस है. बोनट का एज पूरा दिखता है तो जज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. इंजन सुपरबली टॉकी, देखो पुल देखो. ओ सो 1500 cc, 115 bhp, 300 nm का टॉर्क. यस आई श्योर कैन रीड द ब्रोशर. तो ऐसा वाला सीन है, टॉर्क पुल इस गाड़ी से बेटर और कोई गाड़ी में नहीं है.
Now let's talk about the componentries one by one. So पहले discuss करते हैं steering के बारे में. इसमें तीन modes हैं. You can switch it to comfort और क्या बोलते हैं sports और normal mode. तो इससे क्या होता है, इसका heaviness change होता है जैसे whenever you change the modes. But जो feedback है वो almost same रहता है. Sports में काफी भारी हो जाता है गाड़ी का steering. But feedback ठीक है, okay है. Far better than the i20s and the Hyundai's for sure. Because I've owned the i20 for an year. उसका जो steering रहता है बिल्कुल lifeless रहता है. इसमें इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें feedback है. But it is not Ford EcoSport के लेवल का फीडबैक. वो कार ऐसा है कि जहां आप उसको पॉइंट करो वो उसी डायरेक्शन में जाता है. इसमें इट्स ओके, मतलब अच्छा है, फीडबैक अच्छा है. एंड मैं तो कंफर्ट मोड में चलाता हूं ताकि मतलब लाइट रहे, सो जिप इन करने में इजी हो. एंड फीडबैक ऑलमोस्ट उतना ही मिलता है, इसलिए हैवीनेस बढ़ा के फायदा नहीं है. टॉकिंग अबाउट द इंजन एंड द गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन, इट इज परफेक्ट. AMT का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिससे क्या बोलते हैं मारुति सोर्स कराती है अपना AMT मरेली जो कि कंपनी का नाम है, उसी से महिंद्रा सोर्स कराती है अपना गियरबॉक्स. 6-speed गियरबॉक्स है, 6 फॉरवर्ड गियर्स एंड 1 रिवर्स गियर. इसको आप मैनुअल मोड में भी लेके शिफ्ट कर सकते हो. वर्क्स एफर्टलेसली, झटके बाकी AMT की कंपैरिजन में काफ़ी कम लगता है. एंड डीजल ऑटोमेटिक है तो पुली इतना है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि गियर शिफ्ट्स हो रहे हैं कि नहीं. और हाईवे में तो भाई साहब एफर्टलेस है, एफर्टलेस क्रूजिंग और मजा ही आ जाता है बिल्कुल. अब जो सेकंड इंसिडेंट की बात करेंगे वो है व्हेन आई टुक दिस कार टू पवना लेक फॉर कैंपिंग. एंड हम लोग ने ऐसा कैंप चूज किया था जिसका पार्किंग तक पहुंचने में ही लोगों की फट जा रही थी, इतना अजीब सा उनका पार्किंग स्लॉट था. मतलब लिटरली वहां पहुंचने के लिए आपको ऐसे पहाड़ से उतरना पड़ रहा था, अप जाना पड़ रहा था. और अगर मैं चढ़ने की बात करूं, जब मैं चढ़ा रहा था तो मुझे बोनट के ऊपर सिर्फ आसमान दिख रहा था, सो इतना क्लाइंब था उसमें. एंड उस टाइम मेरी कार में 6 लोग बैठे हुए थे, इट वॉज फुली लोडेड. ठीक है, तो और इतने अजीब से आर्टिकुलेशन एंगल थे, गाड़ी पूरी मतलब चक्के पूरे आड़े टेढ़े हो रहे थे और बोनट के ऊपर से सीधा स्काई दिख रहा था. और उतरते वक्त लिटरली बोनट के सामने में जमीन दिख रहा था, सो इतना अप एंड डिप था. उसमें भी दिस कार जस्ट क्लाइम्ड परफेक्टली. इसका जो ट्रैक है और जो टायर की चौड़ाई है इतना चौड़ा है कि इट डिडंट लूज ट्रैक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम एफर्टलेस था. एंड बेस्ट पार्ट, इस गाड़ी में हिल क्लाइंब असिस्ट है. सो अभी मैं जैसे चढ़ रहा हूँ, मैंने रोक दिया गाड़ी को, गाड़ी ए में है. मैं जैसे ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, इट विल होल्ड इट्स पोजिशन फॉर 2-3 seconds. एंड अभी भी वो जगह पे है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हुआ. अभी मैं एक्सेलेटर दे रहा हूँ, अभी ये प्रॉपर पिक करेगा. तो ये फीचर से मैंने अपने दोस्तों को डराया था, 6 लोग बैठे हुए थे, मैंने क्लाइम किया, लोगों को लिटरली बॉनेट के ऊपर स्काई दिख रहा है और मैंने लिटरली गाड़ी रोक के ब्रेक और वो दोनों छोड़ दिया. गाड़ी वहाँ वहीं पे होल्ड की हुई थी, 6 लोग बैठे हुए थे कार पे. सो इट इज दैट एफर्टलेस एंड इट इज दैट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. तो बहुत मजा आया था अप एंड डिप्स एंड क्रेस्ट एंड कर्व्स के ऊपर से जाने में, और गड्ढे भी बहुत थे, ऑफ रोड करने में बहुत मजा आया था. इसके सस्पेंशन की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इट्स सस्पेंशन. तो ऐसा है कि बहुत प्लाइंट है, कुशी नहीं है. इट इज परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ द स्टिफनेस एंड द सॉफ्टनेस ऑफ द सस्पेंशन. अब इसका सीन ये है कि अगर इसको आप खराब रास्ते से लेके जा रहे हो जहाँ पे जो अंडुलेशन से छोटे छोटे हैं, तो आप इसको जितना तेज लेके जाओगे उतना कम आपको अंदर केबिन उसका इफेक्ट फील होगा. अगर आप स्लो जाओगे तो आपको केबिन में पता चलेगा. बट इफ यू जस्ट गो ओवर इट एकदम फुल उड़ा के, तो इट विल गो ओवर इट वेरी क्वाइटली, आपको अंदर पता भी नहीं चलेगा, फील भी नहीं होगा. तो ऐसा सीन है. तो सो बिग थम्स अप फॉर इट सस्पेंशन, ट्रैवल एंड ऑल. और इसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो तो आप देख ही रहे हो, एकदम महाराजा टाइप बैठते हो. पीछे भी ऐसे ही स्पेस है, पीछे मतलब 4 जन आराम से बैठ सकते हैं. ओनली डाउनसाइड इज इट्स बूट स्पेस जो कि थोड़ा सा छोटा है, बट 1 weekend कैंपिंग के लिए जो सामान लगता है वो इसमें आ जाता है. बट इट इज स्मॉल ऑनेस्टली व्हेन कंपेयर टू अदर कॉम्पैक्ट SUVs ऑफ दिस सेगमेंट. और एक सीन जो है इसका, क्या सीन है भाई, भूल गया. ऐसा इतना परफेक्ट कार कभी चलाया नहीं ना ब्रो. ऐसा SUV फील है एकदम, ऊपर बैठते हो सब दिखता है. अरे ब्रो 5-star रेटिंग, सो दिस कार गॉट 5 on 5 star इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड कैब रेटिंग. पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी 5-star है, विच इज नहीं, सामने वाले पैसेंजर्स के लिए 5-star है, पीछे के लिए 4 शायद. तो जो टोटल रेटिंग निकला दैट इज 5, विच इज मोर देन एनी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया.
एंड दिस इज मेड इन इंडिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो आत्मनिर्भर बनिए और अपने देश में बनी कंपनीज को सपोर्ट कीजिए, जस्ट लाइक आई डिड बाय बाइंग दिस कार. बट इट इज एक्चुअली वर्थ इट. ये चाइल्ड्स प्ले वाला कार नहीं है, इसमें लिटरली बैठने पे आपको गौरव गिल वाली फील आती है. गौरव गिल कौन, सर्च मार लेना, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा. बट आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट. ये अगर लॉकडाउन ने लॉले नहीं लगाए होते तो इस कार में मैं अब तक 10,000 कर लिया होता. तो अभी लिटरली 2 महीने में 5,000 किया था, उसके बाद खड़ी हुई है. बट और एक चीज लॉकडाउन के बारे में बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन में कार इतने दिन तक खड़ी थी. आई हैव बीन स्टार्टिंग इट आफ्टर एवरी 5 or 10 days, इसलिए बैटरी वैटरी ड्रेन का कोई इश्यू नहीं आया. इट इज रनिंग वेरी स्मूथली एंड इसको मैं चलाता रहता हूँ अपनी पार्किंग में इधर उधर. मजा आता है इसको चलाने में. इट इज अ ड्राइवर्स कार फॉर श्योर. मतलब अगर आपको सर्विसिंग भी चीप चाहिए और डीजल ऑटोमेटिक चाहिए जिसमें फॉल पावर हो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड गेट दिस कार. इट इज लिटिल ओवर प्राइज व्हेन कंपेयर टू द अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज, बट इट इज वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड ऑन इट. तो एकदम मक्खन चलता है भाई. और पावर लिटरली देखो, पुल देखो, ओ! अच्छा तो एक तो मैंने बता दिया हिल होल्ड असिस्ट के बारे में बता दिया. सेकंड थिंग, दिस हैज ट्रैक्शन कंट्रोल. तो उसको अगर मैं ऑफ करूंगा तो लिटरली यू विल बी एबल टू हियर द टायर्स क्रीचिंग नॉइस. लेट मी ट्राई एंड डू इट. देखो किसी को कुचल ना दू गलती से बस. सो लेट्स जस्ट स्विच ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल. हियर यू हैव अ बटन फॉर दैट. सो इट इज स्विच्ड ऑफ नाउ. अब मैं एक टर्न लेके देखता हूँ थोड़ा क्विकली. इट शुड स्क्रीच इट्स टायर, ऑल्दो द टायर्स आर वाइड एंड प्रोवाइड गुड ग्रिप. MRF का टायर है बट बहुत तेज करने पे इट डज स्क्रीच. डिड यू हियर दैट? आई श्योर होप सो. सो यप, इट इज दिस फन. अभी भी ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन आ रहा है, अब मैं इसको ऑफ कर दूंगा. एंड ऑफ करने पे टायर का स्क्रीचिंग बहुत कम हो जाता है एंड एक्चुअली यू विल बी एबल टू नोटिस द डिफरेंस. Now talking about the infotainment system, इसकी बात करने की कोई जरूरत नहीं इसमें. ऐसे इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है बट काम का नहीं है. एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले इसमें नहीं आता है, इसलिए इसमें क्या बोलते वो एक डाउन साइड है. इस मॉडल में नहीं आता W6 में, तो इसलिए मैंने एक मोबाइल होल्डर खरीदा है. इससे मैं GPS से मतलब गूगल से नेविगेट करता हूँ. सो दैट्स अबाउट इट. मैं तो लॉकडाउन के मजे कर रहा हूँ ऐसे ही पार्किंग में कार चला के. होप this video helps you decide which compact SUV you should be buying. And yep, I hope you like this ownership review, 5000 kilometer review of my XUV300 diesel W6 model. Aur ek cheez, mere channel ke video ko like, share, subscribe nahi kiya to bhi chalega, but apne mobile se TikTok app uninstall karo aur jaake Google Play mein usko 1-star ka review do. It should be banned from India. बस करना है तो करना है, कर दो. और हाँ, थोड़ा टाइम मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो. कितने दिन से लगा हुआ हूँ, 9,500 के ऊपर सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा है, बट दैट इज फाइन. अब माउंट वाउंट आ गया, वीडियो बनता रहेगा. सो आई होप यू लाइक द वीडियो रिव्यू ऑफ माय XUV300. सो यप, दिस इज योर होस्ट इन फोकलोन साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. चाओ, बाय बाय. Now look at this chadai in the parking lot, and I am not giving the accelerator, and it is climbing the elevation on its own, just apne torque ke dam pe. Ab dekh lo, 300 freaking Nm of torque. It pulls like a freaking locomotive, to say the least.